हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आप फ्यूचर में हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। Hi friends, I am Dr. Suman Agarwal, dermatologist, cosmetologist and a hair transplant surgeon at Grace Skin Hair Transplant and Laser Clinic. आज मैं आपको रेडियंट स्किन, फेयरनेस, वाइटनिंग, स्किन टोन कैसे ब्राइट दिख सकता है, ग्लोइंग दिख सकती है, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ आई हूँ, ये वीडियो बनाया है। यूजुअली हमारी कंट्री में, इंडिया में गोरे रंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा चाहत है। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं कभी भी ये चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि आप गोरे रंग के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करें। जो हमारा रंग होता है वो जेनेटिक होता है, मतलब हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से डिसाइड होता है कि हमारा रंग कैसा होगा। जो जीन्स हमें उनसे मिलते हैं उससे डिपेंड करता है। हाँ, कुछ हद तक लाइफस्टाइल, मतलब आप किस जीवन शैली और आप किस तरह से त्वचा का ख्याल रखते हैं उसके वजह से वो अफेक्ट हो सकता है, लेकिन कलर पूरी तरह से चेंज होना पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हमें हमेशा समझनी चाहिए, गोरे रंग की चाहत बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं ये बोलती हूँ कि रंग में इकसारपन होना चाहिए, एक जैसा रंग होना चाहिए, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, कील मुहासे नहीं होने चाहिए, गड्ढे या कोई स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, बर्थ मार्क का भी कुछ हद तक हम डिक्रीज कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को डिक्रीज करने से, कम करने से स्किन में एक ब्राइटनेस, ग्लो, इवन टोन, इवन टेक्सचर, स्मूथनेस दिखता है, जिसके वजह से कई बार हमारा रंग जो नॉर्मल है उससे साफ दिखता है या गोरा दिखता है। अच्छा, स्किन गोरा, स्किन का रंग गोरा दिखे या फेयर दिखे, इसके लिए कई चीज़ें हम कर सकते हैं। पहले तो हमें अपनी जीवन शैली में अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करना चाहिए, अच्छी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए, जिसमें इंक्लूडेड है हमारी डाइट, नींद, पानी कितना हम पीते हैं, एक्सरसाइज, नींद हम पूरी लेते हैं कि नहीं, और जीवन हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। ये चीज़ों के बारे में मेरा एक प्रीवियस वीडियो है। स्किन केयर रूटीन भी हमें अच्छी तरह फॉलो करना चाहिए, जिसमें स्किन को साफ रखना ज़रूरी है, मॉइस्चराइज रखना ज़रूरी है और धूप से बचाना, सन प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। इसके बारे में भी हमारा प्रीवियस वीडियो है जो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको दे सकते हैं जिनसे आपका रंग गोरा हो सकता है। ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस एक बहुत ही पॉपुलर ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिससे आपका रंग 2 से 3 टोन फेयर हो सकता है। ये इंजेक्शन शुरू में हफ्ते में 2 बार करीब दिए जाते हैं, 1 महीने के लिए, उसके बाद हफ्ते में 1 इंजेक्शन देते हैं 1 या 2 महीने के लिए, और उसके बाद मेंटेनेंस के लिए महीने में 1 इंजेक्शन या गोली से भी मेंटेन किया जा सकता है। ये हमें याद रखना है कि 2 से 3 टोन फेयरर तो स्किन होती ही है, एक स्किन में ग्लो भी दिखता है, स्किन रेडियंट लगती है, इकसार लगती है, ब्राइटनेस दिखती है, जितना टोन फेयर होता है उससे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि एक इवननेस आ जाती है स्किन में। ये ग्लूटाथियोन इंजेक्शन का रिजल्ट मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके नेचुरल स्किन का कलर नहीं है, तो जब ये एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में वापस ख़त्म हो जाएगा तो वापस आपका रंग ओरिजिनल की तरफ जा सकता है। सेकेंड स्टेप है ओरल ग्लूटाथियोन। ओरल ग्लूटाथियोन ये एक टोन ज़्यादातर फेयर कर सकता है आपकी स्किन को। इनिशियली हम सुबह शाम 2 डोज देते हैं, जब हमें जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्शन है या जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाता है, तो हम उसको मेंटेन करने के लिए 1 गोली डेली लेते हैं। इसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, जब तक आप गोली लेंगे तब तक ही आपको रिजल्ट ज़्यादातर मेंटेन होगा। ये दोनों ट्रीटमेंट पूरी बॉडी के कलर को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए ये पूरे रंग को ही साफ करते हैं। बाकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो यूजुअली जहां हम करेंगे वहीं असर करेंगे, जैसे कि क्यू स्विच एंडीएक लेज़र, इसको लेज़र टोनिंग या लेज़र ब्लीचिंग भी कहते हैं। ये दाग धब्बों को, बर्थ मार्क को, जैसे कि नीवस ऑफ ओटा, उनको कम करती है। जहाँ पर हम ये लेज़र करते हैं वहाँ पर इंस्टेंट फेयरनेस, इंस्टेंट ब्राइटनेस दिखती है, जो हल्के रोएँ होते हैं वो भी ब्लीच हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी एडेड बेनिफिट मिलता है। इसके मल्टीपल सिटिंग्स लगते हैं, यूजुअली डिपेंडिंग ऑन आपको क्या कंडीशन है, पिगमेंटेशन कितना डीप है और कितना पुराना है। फिर और ट्रीटमेंट, चौथा ट्रीटमेंट ऑप्शन है मीसोथेरेपी। मीसोथेरेपी मतलब होता है कि स्किन के अंदर इंजेक्शन टेक्निक से, गन से या डर्मा रोलर से, माइक्रो नीडलिंग से कोई भी मेडिसिन को पेनिट्रेट कराना। विटामिन सी, विटामिन ई,
हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूटाथियोन और भी कई एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हम फेयरनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं मीज़ोथेरेपी के थ्रू। ये ट्रीटमेंट ऑप्शन भी यूजुअली मल्टीपल सेशन रिक्वायर्ड होते हैं और इससे एक ओवरऑल स्किन में स्मूदनेस और टेक्सचर इम्प्रूवमेंट होता है। फिर पांचवा ऑप्शन है, हम केमिकल पील कर सकते हैं। केमिकल पील वाइटनिंग पील्स आती हैं जो कि मेलेनिन प्रोडक्शन कम करती हैं, और पील्स का एक एडेड बेनिफिट ये होता है कि वो डेड स्किन को रिमूव करती हैं, जिसके वजह से डेड स्किन रिमूव होने की वजह से एक ओवरऑल स्किन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और वो फेयरर लगती है। माइक्रोडर्म एब्रेशन या जिसको आम भाषा में स्किन पॉलिशिंग कहा जाता है, वो भी फेयरनेस का काम करती है। ऑयली स्किन स्पेशली जो जिसमें तेल ज़्यादा बनता है जिनकी स्किन में, और जिनकी स्किन रफ और मोटी है, उसमें माइक्रोडर्म एब्रेशन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। इमीडिएटली ऑयल कम होने से और जो डेड स्किन है वो रिमूव होने से, डर्ट ग्राइम सब अब्जॉर्ब हो जाने के वजह से इमीडिएटली स्किन टोन फेयरर दिखता है और स्किन ज़्यादा स्मूथ दिखती है, दाग धब्बे कम लगते हैं, रिंकल्स भी थोड़ी हद तक कम लगते हैं। इस फेयरनेस ट्रीटमेंट के बारे में, रंग साफ करने के बारे में, ब्राइटनेस के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप ग्रे स्किन क्लिनिक पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।